यूपी के संतकबीर नगर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन हो गया है। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। लिवर में दिक्कत के चलते इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन बुधवार देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। 50 साल के शरद त्रिपाठी के निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों और समर्थकों में शोक की लहर है। शरद त्रिपाठी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी है। शरद त्रिपाठी के पिता भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके पिता रमापति राम त्रिपाठी देवरिया से सांसद हैं। शरद ने भी राजनीति में एक लंबी पारी खेली है, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें ज्यादा जीने का मौका नहीं दिया। शरद त्रिपाठी साल 2019 में जूता कांड के बाद से ही सुर्खियों में आए थे। उस समय संतकबीरनगर से बीजेपी सांसद रहे शरद त्रिपाठी की मेहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल से जोरदार बहस हो गई थी और उस बैठक के बीच दोनों नेताओं की बहस इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि जूता जल गया था। उस मामले में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में हाई कोर्ट की तरफ से दोनों नेताओं को राहत दे दी गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी गोरखपुर के निवासी थे। उनका पैतृक निवास खजनी तहसील क्षेत्र में पड़ता है। शहर में वह साहब धर्मशाला स्थित आवास पर परिवार के साथ रहते थे। न्यूज़ डेस्क।